किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसी होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे स्माइल 3.0 पॉइंट। तो दोस्तों आपकी वर्कशीट आ चुकी है, कक्षा 8 विषय हिंदी, अध्याय आपका होगा बस की यात्रा, टॉपिक आपका होगा अभ्यास। तो दोस्तों इसकी क्वेश्चन देखते हैं। जिस शब्द द्वारा विश्लेषण की विशेषता बताई जाती है वह कहलाता है कि विशेष खा संज्ञा गा सर्वनाम गा क्रिया। तो दूसरा क्वेश्चन है लेखक को पूरी बस इंजन क्यों लग रही थी। तो दोस्तों ये आपके क्वेश्चन है, नीचे आपको आंसर देखने को मिलेंगे। ये आपका क्वेश्चन तीसरा है, कारक किसे कहते हैं तथा कितने प्रकार के होते हैं। ये आपका क्वेश्चन चौथा है, योजक शब्द क्या कार्य करते हैं, उदाहरण सहित बताइए। क्वेश्चन पांचवा है, निम्नलिखित वाक्यों में से गुणावाचक विश्लेषण व कारक पृथक कीजिए। तो ये दोस्तों आपकी ये आंसर हैं, तो आप लोग आंसर देख सकती हैं। पहला का आंसर है क्वेश्चन पहला का विश्लेषण, विशेषण और विश्लेषण में संबंध, अर्थात वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें विश्लेषण कहते हैं। जो विश्लेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन दूसरे का आंसर है, लेखक के अनुसार से बस बहुत ही पुरानी थी, बस की हालत ऐसी थी कि कोई वृद्ध अपनी उम्र के चरम में था, उसको देखकर लेखक के मन में श्रद्धा जागृत हो रही थी, इससे पूरी बस हिल रही थी, इसलिए उन्हें लगा कि सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। आपका अगला आंसर है कि गैसे संबंध रखने वाले भी सभी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के रूप होते हैं उन्हें कारक कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब किसी वाक्य से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का अलग अलग रूप में प्रयोग होता है तब इन्हीं अलग अलग रूपों को कारक कहते हैं। कुछ उदाहरण, राम किताब पढ़ता है, संता बंता के लिए मिठाई लाया है। दोस्तों आपका ये अगला आंसर है, योजना संस्कृत संज्ञा स्त्रीलिंग भावी कार्यों की व्यवस्था है। दूसरा है बनवावट रचना 3। योजना आयोग संस्कृत भारत सरकार की एक संस्था जो देश के विकास के लिए योजना बनाती है, प्लानिंग कमीशन। तो दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन की जिससे हम कोई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।